हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लैपटॉप पे अगर कोई फोल्डर हम डिलीट कर रहे हैं या कोई फोल्डर रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या रिसाइकल, क्या वो फिर से हम लैपटॉप पे ले सकते हैं, या डिलीट करने का सही तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और डिलीट करके फिर से वापस आने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ये फोल्डर अब बना चुका हूँ। इस फोल्डर को मैं डिलीट करने वाला हूँ। इस फोल्डर को मैं डिलीट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है, माउस में राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये डिलीट बटन है, इस डिलीट पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करके ये देखो ये फोल्डर जो है था वो डिलीट हो चुका है। तो अभी हमें इसको वापस लाना है। वापस लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाके ये देख लीजिए ये फोल्डर, ये न्यू फोल्डर मैंने अभी डिलीट किया था, ये यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ से आप लोग रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से लैपटॉप पे लेना चाहते हैं तो रिस्टोर पे क्लिक करना है। रिस्टोर पे क्लिक कर दिया, ये देख लीजिए ये न्यू फोल्डर फिर से आ चुका है लैपटॉप में, फिर से ये फाइल पे आ गया है। अगर इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो ये डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन ऑप्शन पे गया, यहाँ पे जाके यहाँ से इस फाइल पे ऊपर राइट क्लिक करना है, ये है फाइल, राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है। तो लैपटॉप ने आपको श्योर करने के लिए पूछा है क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इस पर यस कर दीजिए। और ये यस करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये अभी लैपटॉप नहीं है, ये अगर और ये रिस्टोर नहीं होगा, ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही लैपटॉप में फाइल डिलीट करके रिस्टोर कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।